तो नमस्ते सबको। तो यार देखो, दिस इज़ समथिंग जो कि हम सबको पता चल चुका होगा कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी बहुत एक रूथलेस इंसिडेंट हुआ, राइट। इस वीडियो का कोई भी लेन देन उस चीज़ से नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके से क्या हुआ, क्या किस तरीके से इंसिडेंट्स ने आगे प्रोग्रेस किया, उस चीज़ से नहीं लेना देना। दिस वीडियो इज़ सोलली वट आई फील अबाउट दिस होल टॉपिक ऑफ रेप। ओके, सो लेट्स बिगिन। इस देश में यार बड़े आसानी से लोग मिल जाते हैं जो कि कह देते हैं कि ये तो भाई रेप हुआ है, तो सारी की सारी गलती लड़की की है, या फिर कुछ लोग कह देंगे कि भाई सारे लड़के ही ऐसे होते हैं। आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स। ये वीडियो मैंने बनाई ही इसलिए लेट बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरे इमोशंस हाईपेंड थे एंड आई वॉज थिंकिंग लेस फ्रॉम माई माइंड एंड मोर फ्रॉम माई इमोशंस। तो इस वजह से मैंने अभी तक इस वीडियो को नहीं बनाया था बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट माई इमोशंस एंड रैशनल थिंकिंग एज वेल, राइट। एक चीज़ जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर हो जानी चाहिए ना, दैट इज़ कि क्राइम ना कई बार बंदा सेल्फ डिफेंस में भी कर देता है, दे कैन बी जस्टिफाइड, बट रेप इज नॉट वन ऑफ देम। रेप जस्टिफाइड नहीं हो सकता, ये चीज़ हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इस देश की फनी बात पता है क्या, इस देश में माताओं को बहनों को पूजा भी जाता है और वहीं पे जो रेपिस्ट्स हों, कन्विक्टेड हों, उन लोगों को भी पूजा जाता। हैरानी वाली बात है, इसमें कोई रिलीजियस सेंटीमेंट्स किसी के भी नहीं आ रहे हैं भाई। सही और गलत को परखने की ताकत तो हर किसी में होनी चाहिए, फिर भले किसी को ये बात बुरी लग रही हो। पहले अपन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं एक बारी के लिए यार। इफ़ वी टॉक अबाउट आर कंट्री, तो यहाँ पर हर 16 मिनट में एक रेप का केस रजिस्टर हो रहा है। जुडिशरी के ये हाल है कि 2.43 लाख पॉक्सो के जो केसेस है वही पेंडिंग है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, एंड जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि ये इस देश को बचाएंगे, उन्हीं में 46% ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज पे क्रिमिनल केसेस हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट रही है। अब अगर कोई कहे कि क्राइम को हम जीरो कर सकते हैं, तो देखो माई आंसर शुड बी दैट इट इज़ आइडियल कि हम जीरो कर दें, बट इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हम क्राइम जीरो कर दें। बट येस, कन्विक्शन रेट हम 100 की तरफ ले जाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जिसने भी क्राइम किया है वो बंदा बार्स के पीछे हो या फिर उसको उसके कर्म की सज़ा मिल जाए। दिस इज़ समथिंग विच वी कैन डू। अब अगर कोई मेरे को कहे कि इन चीज़ों को रोका क्यों नहीं जा सकता, तो मेरे को ये लगता है कि चार चीज़ों की वजह से ये सब अभी तक ख़त्म या फिर कन्विक्शन रेट बहुत हाई लेवल पर नहीं पहुँच सका है, ठीक है। ये चार चीज़ों में से पहली चीज़ आएगी आपकी लेजिस्लेचर, सोसाइटी, आपके पब्लिक सर्वेंट्स अलॉन्ग विद जुडिशरी का बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक केसेस को ना सॉल्व करना। इसमें इजीली आप लोग इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हो कि ये कह के कि यार जुडिशरी है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इस वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। सोसाइटी यार ये तो हमेशा से ऐसी थी, इसको हम एकदम से चेंज कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी में चेंज थोड़ी लाया जा सकता है। या फिर यार पॉलिटिक्स तो गंदी होती है, तो हमें पता ही है ऐसा ही चलता है, क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। एंड पब्लिक सर्वेंट्स, इनसे कोई उम्मीद नहीं है यार, ये तो है ही करप्ट। ये सब चलता है ना सबके दिमाग में, किसी दिन पहला स्टेप उठाने की कोशिश करता है कोई, कोई नहीं करता हमारे यहाँ। जब कोई करने की कोशिश करता है तो बंदे कहते हैं तो पागल है यार, इससे कुछ नहीं होगा, अपना टाइम ख़राब कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मौज करो अपनी ज़िंदगी की, पैसे खाओ, ज़िंदगी बनाओ, बच्चों को खुश करो। ये हमारे देश का थॉट प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस कंट्री ना, जो कि इन कड़ियों को भी कनेक्ट करती हैं, दैट इज़ करप्शन। एक बात तो यार, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। यहाँ पर हम सबको पता है देयर विल बी सम पीपल जो इसको तोड़ेंगे, उनके अंदर डिटरेंस कैसे आएगा, आपने लॉ बढ़िया बना दिया, लॉ है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इशू कहाँ आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन पे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं क्यों बना रहा हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई होप कि हम लोग ही इस देश को आगे फ्यूचर लीड करेंगे, भले ही डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हो, पर हमने लीड करना है ना, हमने पॉलिसीज बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, सब कुछ हमारे हाथ में होने वाला है ना। अगर हम लोग आज भी नहीं सोचेंगे, या हमसे पहले वालों ने ना सोचा हो, या फिर आगे वाले ना सोचें, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सो दिस विल बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आगे जाएं तो हम इन चीज़ों को करेक्ट करेंगे। मैं लेजिस्लेचर से ज़्यादा गलत ना पब्लिक सर्वेंट्स को ही मानता हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है यार। वो क्यों, वो लोग घूसखोरी कर रहे हैं। आप कहीं पर IPS हो, आप कहीं पर IAS हो, ठीक है, या कोई भी पोस्ट पर आप लोग बैठे हुए हो, आपने कहते हैं जी हम तो नहीं करते, हम तो इस बंदे को पेल देंगे जिसने भी ये हरकत करी है। क्यों पुलिस ने एकदम से अच्छा सही तरीके से काम नहीं करा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने ना भी आ रही हों, बट एवरीवन नोज द ट्रुथ। इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं जब हम लोग इस पोजीशन में आएंगे, कि
कि हम लोग करप्शन को ना कर आगे बढ़ावा दें, हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करें, हम लोग ये समझें कि नहीं यार वी आर देयर फॉर दिस पब्लिक, इनका भला करने के लिए, है ना। इतने ब्रूटल केस में वी आर पॉलिटिक्स घुसी हुई है। जब वो यूपीएससी वाला केस हुआ था 3 बच्चों की डेथ, तब भी पॉलिटिक्स थी, आज भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं है यार, ये ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी प्रेसिडेंट ने भी उनकी अगर स्टेटमेंट देखी होगी, देख लिया ना क्या कहा है, द मोस्ट हाईएस्ट ऑफिस, वो भी ये कह रहे हैं कि यार इस इंसिडेंट ने पूरे के पूरे देश को शॉक करके रख दिया है, है ना। ऐसे एक्ट्स अभी भी होते रहते हैं, कोई अकेला एक्ट तो है नहीं ये। अब अगर सिंपल सा फंडा है, कोई बिना बात के हवा क्रेशी तो मार दी नहीं ना, मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री बना हुआ ना कुछ ना, बहुत कुछ मेरे हाथ में, लेकिन जितना मेरे हाथ में उतना तो बोल सकते हैं, जितना हम सबके हाथ में उतना तो कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स जो कि बाद में बहुत बड़े एक सोसाइटल चेंज को शायद दिशा दे सकते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। 1, ये मेरी गर्ल से भी रिक्वेस्ट है, हर एक लड़का ख़राब नहीं होता। मैं इसका एक एग्जांपल ज़रूर दे सकता हूँ आपको किस तरीके से। एक लड़की एक घर से निकली अपने कॉलेज की तरफ जाने के लिए, उसने देखा कि यार मेरे को 10 लड़के देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, उसमें से 2-3 कमेंट पास करते हैं। आई कंडेम दिस एक्ट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस सारे के सारे जितने लड़कों ने ऐसा करा गलत। अब दूसरी या तीसरी लड़की भी वहीं से जा रही है, द थिंग इज उन्हें भी वो 10 लड़के देख रहे होंगे, वही 10 लड़के ऐसी हरकतें कर रहे होंगे, पर वहीं पर 90 और होंगे जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे। हमें जब वो 10 लड़के ही दिखते हैं ना, तो वी थिंक यार पूरे के पूरे ऐसे ही हैं। द थिंग इज ऐसा कुछ नहीं है, सारे लड़के ऐसे नहीं होते। एंड आई होप जो ऐसे नहीं हैं वो अपने दोस्तों को भी बोलें यार कि क्या ये टुच्ची हरकतें कर रहा है यार, कैसी सी हरकतें हैं। इसका भी एक और एग्जांपल है, जब यार दोस्त गाड़ी में भी जा रहे हों, अपने वैसे ही जा रहे हों घूमने फिरने, एक दोस्त कहते ना दूसरे को, अबे वो देख यार लड़की जा रही है, ये है वो है, कुछ कमेंट्स पास करने लग जाए, अबे वहीं टोको ना, कब क्या कर रहा है भाई, कब बहन बुन नहीं है तेरी, अबे नहीं भी है तो वो भी तो दूसरी को ऐसे क्यों कह रहा है। कुछ चीज़ें अपने यहीं से शुरू करनी होगी, अपने दोस्तों से शुरू करनी होगी। रेप एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्ट है, अरे छोटे छोटे एक्ट्स भी कितने तंग करते होंगे दूसरे को, वो कभी देखना। अगर ऐसे सिंपली देखना ना, यूं करना, अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ निकल जाना एंड नोटिस करना कि कितने लड़के किस तरीके से देख रहे हैं, यू विल गेट टू नो कुछ हद तक कि वो कैसा फील करती होगी, ठीक है। ये चीज़ करके देखना, आई हैव फेल्ट इट तो मुझे पता है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, माइट भी आगे सोसाइटी में भी एक इफेक्ट आने लग जाए इसकी वजह से। सेकंड थिंग इज, जो कि फ्यूचर स्टेप होगा हमारा थोड़ा सा लॉन्ग रन में, जिस दिन ऑफिसर्स बने या फिर आपको ऑफिसर्स दिखते हैं, यू शुड नो योर राइट्स, एंड आपको भी दूसरों के लिए काम करना होगा। ये मत सोच के चलना कि नाउ आई एम हैविंग अ प्रेस्टीजियस ऑफिस, अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अरे भाई, जिसके लिए काम करने के लिए आए हो ना, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना है, ठीक है। कोई ऐसा केस दिखता है, कोई छोटी सी छोटी चीज़ दिखती है, कोई लड़का लड़की को छेड़ गया, ऑपोजिट कोई लड़की लड़के को छेड़ गई, दोनों केसेस में ना वहीं सेट कर दो। एक ये तो दिखाओ कि भाई छोटे से छोटे केस में भी मैं फेल दूंगा तो बड़ा करके दिखा कोई, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जब तक आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसे ही चुनोगे, पार्टी ए पार्टी बी, हम तो इसके समर्थन में, हम तो उसके समर्थन में, कुछ नहीं होने वाला भाई। ये तो देख लो कि उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, क्या चल रहा है। अब इसमें भी बंदे डिफेंड कर देंगे, भाई कन्विक्टेड थोड़ी ना है, कुछ चीज़ें ना पता होती हैं पर आप फैक्ट्स नहीं दिखा पाते। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। लेजिस्लेचर वही लॉज लाता है, वही चीज़ें करता है जो दुनिया मांग रही है भाई उनसे। ये चीज़ बहुत सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। भले ही आज इस देश के आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख लो, पहले की भी देख लो, पहले आप करप्शन को देख लो पुराने टाइम में, ये सब आपको ही देखना है कि किस एक्सटेंट पे आप इनको बोलो भाई बस और नहीं। ये सारी चीज़ें लीड कर रही हैं यार, दिस करप्शन इज़ लीडिंग टू ऑल दीज एक्ट्स। वहाँ पर जो पोर्शे वाला एक्सीडेंट वाला केस हुआ, वहाँ पर बंदा निकल रखा है ना, पैसा था, करप्शन था, पहुँच थी, इतना हाईलाइट होने के बावजूद यहाँ पर इस केस में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या चल रहा है, हर दिन दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी पानी बरसा रहे हैं। अरे यार, तुम लोग स्टूडेंट्स को रोकने के लिए हो या फिर अपना काम करने के लिए हो, ये चीज़ तो समझ आनी चाहिए ना। तीसरी चीज़, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बाद जुडिशरी। जुडिशरी अपना काम करती है, उनको और ज़्यादा लोग चाहिए, वैकेंसीज फिल्ड अप चाहिए, ये चीज़ों की ज़रूरत है। और मेहनत कर सके जुडिशरी तो और करें,
फास्ट ट्रैक लेवल पे काम करे, बहुत खींचे ताने नहीं, अड़जान अड़जान ना करे, तारीख पे तारीख वाले सेंटेंसेस को चेंज करे, अच्छे CGI मिले हुए हैं, आई होप इन चीज़ों में भी काम होगा। एक बात मेरे को और बोलनी है, इम्पॉर्टेंट है जो कि, वो ये है कि इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि सोसाइटी बदलेगी, चेंज आएगा, हम अपने से धीरे धीरे चेंज लाएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम। कुछ चीज़ों को ना खुद भी करना आपको शुरू करना ही होगा, जितना मर्जी आप लोग दुनिया को बोलो। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, भले ही बुरी लग रही हो भाई, पर सुननी पड़ेंगी। एक सेल्फ डिफेंस में कहीं ना कहीं जोर करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ से आपको दिख रहा है बैकलैशेज आ रहे हैं सोसाइटी से, तो आपको भी खुद लड़ना ही होगा। हर टाइम कोई और नहीं आएगा, हर टाइम सारे लोग इस तरीके से रोडों पे नहीं आ जाएंगे कि करो करो करो। केस, रेप केसेस देखे ना, हर 16 मिनट में चल रहा है भाई, बाकी तो अनलिखित तो पता नहीं कितने होने हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों से प्रिवेंशन भी लेना। अब आप बोलो कि नहीं यार, हम रात 2 बजे क्यों नहीं जा सकते, लड़के तो जा रहे हैं। मेरे यहाँ ये बहुत क्लियर बात है ना, लड़के को रात 2-3 बजे जाना चाहिए, ना लड़की को। इट इज़ नॉट अबाउट कि रेप होगा, इट इज़ अबाउट स्नैचिंग हो सकती है, मर्डर हो सकता है, 15 और एक्ट्स होते हैं यार, क्या नहीं हो सकता, किडनैपिंग हो जाएगी, कुछ नहीं पता होता, ना लड़के का ना लड़की का। तो इट इज़ सजेस्टेड कि रात को इतनी लेट दोनों ही ना निकलो यार। अब जितना मर्जी इस चीज़ पे बैकलैश दे देना, भाई हम क्यों नहीं जा सकते, दिस शुड बी सेफ, कुछ चीज़ें समझ लो, अभी नहीं है ना, तो कुछ चीज़ों को मानना भी पड़ता है। हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे, सारे मिलकर सोसाइटी में चेंज ला करके इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, इसका भी काम होगा। बट हर प्लान ना 3-4 भागों में होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। चुटकी मारते सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, नहीं तो निर्भया केस के बाद भी हो जाता। बस यार ये मतलब बहुत बेसिक सी कुछ बात थी जो मेरे को बोलनी थी, शेयर करनी थी। बाकी तो इट इज़ अपॉन यू, इट इज़ अपॉन अस, मेनली इट इज़ अपॉन दी सोसाइटी। सोसाइटी सब कुछ डिफाइन करेगी। पेट्रियार्कल हटाओ, इगैलिटेरियन बनाने की कोशिश करो, एंड यही हो सकता है। आई नो इट माइट टेक सम टाइम, बट लेट्स टेक दी फर्स्ट स्टेप। मैंने कहीं पे सुना था, देयर इज़ नो टुमारो, तो आज से शुरू करो। कोई दोस्त कुछ बोले, रुको। कोई लड़की किसी लड़के के साथ, कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा हो आपके फ्रेंड सर्कल में, रुको। कोई किसी को गलत कमेंट पास कर रहा हो, रुको। कोई छोटे से छोटे चीज़ में भी गलत कर रहा हो, रुको। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, इतना करो। बाकी ऑफिसर बनो, टेक द पावर इन योर हैंड एंड मेक चेंजेस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।